वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू हुंडई एक्स एंड सिया डीआई वेरिएंट। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गो। फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रंट में इसमें जो लाइट दे रखी है वो हेडलाइट है, वो हेलोजन लाइट है नॉर्मल। उसके साइड में इंडिकेटर है, इंडिकेटर के नीचे जो हम देखेंगे तो फॉग लाइट है। फॉग लाइट के ऊपर जो एलईडीज हैं उन सबको असेंबल करके लगा रखा है। बीच में ग्रिल है और ग्रिल के बिल्कुल मिड में हुंडई का लोगो है। हुंडई के लोगो को जस्ट नीचे नंबर प्लेट के लिए स्पेस दे रखी है। उसके बाद ही सेम चीज़ राइट में है और इसमें बहुत ही नंबर जो ग्रिल है ग्रिल के कॉर्नर्स पर बहुत ही शार्प लुकिंग दे रखी है। अब एक बार साइड व्यू की बात कर लेते हैं तो साइड में जो डोर है डोर के जस्ट आगे CRDA लिखा हुआ है क्योंकि ये डीजल वेरिएंट है। उसके बाद टायर साइज़ की बात कर ले तो टायर साइज़ का 160x65 R14 के टायर है। उसके साथ ही 175x60 R15 के टायर भी आते हैं 15 इंचेस के। इसमें ट्यूबलेस टायर है और ये रेडियल ट्यूबलेस टायर है। ये साइड मिरर इसमें के इंडिकेटर्स लग रखे हैं। ऑटोमेटिक फोल्डेबल साइड मिरर्स नहीं है इसमें। उसके बाद ये डोर हैंडल्स में क्रोम की कहीं भी फिनिशिंग नहीं दे रखी है। कीलेस एंट्री वाला वेरिएंट नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक कलर की स्ट्रिप दे रखी है, क्रोम की फिनिशिंग नहीं है यहाँ पर कहीं भी। ये रियर डोर हैंडल है। उसके बाद साइड में चलते हैं वही सेम पीछे वाले टायर का साइज। उसके बाद यहाँ पर शार्क फिन एंटीना नहीं मिल रहा है हमें इस वाले मॉडल के अंदर। रियर वाइपर भी अवेलेबल नहीं है, डिफॉगर भी अवेलेबल नहीं है। रियर हेडलाइट की बैकलाइट की बात करें तो बैकलाइट इसमें नॉर्मल बल्ब लगा रखा है। उसके साथ इंडिकेटर है, ये नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स लेफ्ट और राइट दोनों में। उसके बाद पीछे पार्किंग सेंसर्स है, रियर पार्किंग सेंसर्स दोनों ही साइड में। 4 टोटल पार्किंग सेंसर इसमें रियर में। उसके बाद यहाँ पर बीच में जो है एक्सेंट लिखा हुआ है, एक्सेंट के जस्ट नीचे जो है हुंडई के साइन के जस्ट नीचे क्रोम की फिनिशिंग दे रखी है। बूट ओपन करने की जो स्पेस है उसमें नीचे नंबर प्लेट के लिए स्पेस दे रखी है वहाँ पर। अब कार के रियर व्यू को पूरा देख लेते हैं एक बार दूर से। उसके बाद अब चलते हैं लेफ्ट प्रोफाइल पर कार की। ये फ्यूल टैंक के लिए दे रखा है यहाँ पर, फ्यूल टैंक के कार में, कार के अंदर। उसके बाद ये डोर हैंडल से लेफ्ट डोर हैंडल जिसमें भी क्रोम की फिनिशिंग कहीं भी नहीं दे रखी है, जस्ट एज ऑन द राइट साइड। साइड मिरर से ये भी ऑटोमेटिक फोल्डेबल नहीं है, इसमें भी इंडिकेटर दे रखा है साइड मिरर में। और यहाँ पर कुछ भी CRDA कुछ भी रिटर्न नहीं है। उसके बाद ये वाइपर्स हैं कार के जो कि बहुत ही नॉर्मल वाइपर्स हैं, इसमें कोई बहुत ही हाई क्वालिटी के वाइपर्स नहीं दे रखे हैं। ये स्प्रे करने के लिए, वाटर को स्प्रेड करने के लिए ऑल ओवर द विंडशील्ड पर। उसके बाद ये फ्रंट प्रोफाइल है। अब बूट ओपन करते हैं इसका। ये की से ही हम ओपन कर सकते हैं, की में बटन दे रखा है। जो टोटल बूट स्पेस है इसमें 407 लीटर्स का बूट स्पेस है। यहाँ पर नीचे व्हील है इसमें थोड़ी गंदा हो रहा है ये वाला, इसको क्लोज कर देते हैं। अब एक बार कार के अंदर चलते हैं, अंदर चल करके देखते हैं कि क्या क्या इसमें अंदर फीचर्स हैं। डोर ओपन करते हैं। राइट साइड में आपको देख सकते हैं डोर पर, पहले राइट साइड में डोर पर देख सकते हैं कि इसमें अनलॉक लॉक करने के लिए चारों विंडो पावर है। इसमें ऑटोमेटिक वाला राइट डोर है सिर्फ, अनलॉक करने के लिए साइड मिरर आप सेट कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो स्पेस है 1 लीटर बॉटल की स्पेस है, आप उसको 1 लीटर बॉटल रख सकते हैं यहाँ पर। साइड व्यू है। अब अंदर चलते हैं कार में। अंदर ये पैडल 3 ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। अंदर चलते हैं कार में। ये आपको हेडलाइट की हेडलाइट ऊपर नीचे करने का है, आप उसको कितने लेवल तक ले जा सकते हैं। कि ऊपर फ्रंट बोनट खोलने के लिए कार का, फ्रंट बोनट खोलते हैं कार का एक बार देखते हैं। अब ये बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, ये म्यूजिक सिस्टम है कार का, बिल्कुल नॉर्मल है। की इंसर्ट करते हैं, इग्निशन ऑन करके देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट कंसोल में दे रखा है हमारे को अवेलेबल। इंस्ट्रूमेंट कंसोल एनालॉग है, इसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत थोड़ी थोड़ी वो डिजिटल है, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट कंसोल एनालॉग है। फ्यूल मीटर भी आपका, स्पीडोमीटर, RPM मीटर, ट्रिप RPM मीटर, इसमें आपकी रेंज दे रखी है, ट्रिप पे सेट कर रखा है, टोटल गाड़ी के किलोमीटर रनिंग शो कर रहा है, टेम्परेचर कार का शो कर रहा है, पूरा सारा कुछ। स्टीयरिंग व्हील्स पर वॉल्यूम अप और डाउन के लिए, म्यूट करने के लिए, कॉल अटेंड, कॉल कट करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए, रीसेट करने के लिए, उसको ट्रिप करने के लिए, ये सारे फंक्शन हमें इसमें दे रखे हैं स्टीयरिंग व्हील पर। आप इसको ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें चार्जिंग सॉकेट है, एक चार्जिंग सॉकेट इसमें, एक ऑक्सिलरी का है और 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट और एक USB वाला है। अब एक बार इस कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे, इसमें कोई भी टच स्क्रीन वाला नहीं दे रखा है, इसमें बिल्कुल नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि आपको बटन से या फिर उसको वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए आप कर सकते हैं बटन से, बिल्कुल नॉर्मल। इसमें कोई कैमरा वैमरा कुछ भी अवेलेबल नहीं है इस कार के मॉडल में, आप बटन दे रख सकते पूरे। इसके बाद ये पूरा फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर का पूरा एरिया है जो काफ़ी स्पेस है। उसके बाद इसमें फ्रंट में AC को ऑन ऑफ करने के लिए, मोड से चेंज करने के लिए, 5-speed ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें। हैंड ब्रेक है, नीचे स्पेस दे रखे कुछ भी चीज़ अपने रखने के लिए। लेफ्ट विंडो पावर है, डैशबोर्ड है इसका, खोल के देख लेते हैं एक बार। डैशबोर्ड के अलावा इसमें एयरबैग नहीं है, फ्रंट एयरबैग्स नहीं है इसमें। ये नॉर्मल आपका शेड हुआ है सन से, शेड बचाने के लिए, शेड के लिए सॉरी। ये
आप ड्राइवर सीट का डाउन करके देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसमें आप कुछ भी पर्टिकुलर अपने पेपर्स टिकट्स वो सब आप रख सकते हैं। उसके बाद अब रियर में चलते हैं कार के, तो रियर डोर ओपन करते हैं। रियर डोर में आप देख सकते हैं राइट साइड में वही विंडो डाउन करने के लिए, इसमें ऑटोमेटिक वाला ही, ऑटोमेटिक नहीं, सब मैनुअल है, बाकी ड्राइवर वाला है वो डाउन ऑटोमेटिक होता है। इसके बाद अंदर चलते हैं, इसमें रियर एसी वेंट्स दे रखी हैं, एक एसी वेंट है इसमें रियर में, जिसको आप लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं पूरा। ये लेफ्ट डोर और इसमें सीट बेल्ट लग रही है। फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं कार का अंदर बैठ करके, पूरा ये फ्रंट व्यू है। उसके बाद हम देख लेते हैं पीछे का व्यू। अब वापस कार से उतरते हैं, उतर करके बाहर देखते हैं, बाहर जा करके इसमें और कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की बात करते हैं कार में। ये डोर क्लोज करते हैं वाले रियर, ये इसकी की है। इसमें तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं, और बूट को अनलॉक लॉक करना, की को निकाल सकते हैं आप उसको, लॉक करना कार को, अनलॉक करना। बोनट खोलते हैं, बोनट खोलने का देखते हैं क्या क्या है इसमें। अभी इसको खोलते हैं। अब इसके बाद इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें 1186 सीसी का इंजन है, जो कि 73.97 बीएचपी पावर जनरेट करता है 4000 आरपीएम पर, और जो कि टॉर्क जनरेट करता है 190.25 न्यूटन मीटर 1750 आरपीएम से लेके 2250 आरपीएम तक जनरेट करता है ये इंजन स्पेसिफिकेशन। इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज करके और भी कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कार के। इसके साथ ही इस कार में इसके साथ ही कुछ इसमें सेफ्टी फीचर्स की बात कर लें, तो सेफ्टी फीचर्स में से पहली चीज़ है ABS दे रखा है, जो कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। उसके साथ हमें EBD दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ब्रेक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ब्रेकिंग पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फोर्स को। उसके साथ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं दे रखा है हमको, हिल असिस्ट नहीं दे रखा। कुछ फीचर्स हैं जो कि मिसिंग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडल ये फीचर्स ठीक भी हैं, जो अवेलेबल हैं, और जो मिसिंग है वो भी ठीक है। अब एक बार डायमेंशंस की बात कर ले, तो ओवरऑल लेंथ जो है वो 3995 mm दे रखी है, ओवरऑल विड्थ जो है वो 1660 mm दे रखी है, ओवरऑल हाइट है 1520 mm दे रखी है हमारे को, और जो टोटल बूट स्पेस है वो 407 लीटर का टोटल बूट स्पेस है इस कार। टोटल इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm दे रखा है। व्हील बेस जो है वो गाड़ी का 2425 व्हील बेस दे रखा है। फ्रंट ट्रेड जो है वो कार का 1479 mm दे रखा है, एंड जो रियर ट्रेड है कार का वो 1493 mm दे रखा है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें अगर आपने पहली बार वीडियो देखी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।